प्रताप सिंह आपके ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सुहागी देवी इंटरमीडिएट माध्यमिक विद्यालय से मैं क्लास सेवंथ का मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो चैप्टर पॉइंट आज शुरू करेंगे हम चैप्टर पॉइंट 11.1। 11.1 जो चैप्टर है आपका आयत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत जो होता है चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति को, चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि जो आयत होता है ये चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है, मतलब चारों तरफ से क्या होता है, बंद आकार का होता है। तो आयत क्या कहते हैं, चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आपस में समान नहीं होती है, और इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। यानी कि आयत जो कहते हैं चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति को, देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ बंद आकृति है, तो चारों तरफ से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान नहीं होती है, और इसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 90 अंश होता है। ठीक, इसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 90 अंश होता है। ये चारों कोण यानी कि आयत की बात करें तो प्रत्येक कोण का मान, आयत में जो होते हैं चार कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण का मान 90, यानी कि ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 होगा और ये आपका ये भी 90 होगा, तो पूरा जो एंगल्स बनेगा 360 बन जाएगा। तो आयत के हम एक बोल सकते हैं कि आयत के जो चारों कोणों का मान होता है, जो चारों आयत के चारों कोणों का जीव होता है 360 होता है। कितना होता है, 360। आयत किसे कहते हैं, तो चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, जिसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, और लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान नहीं होती, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान नहीं होती है। ठीक, अगर जो बात करें वो आयत के क्षेत्रफल का, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, आयत का, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, जो आयत की लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगा हम क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे, तो आयत के क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि इस आयत की जो लंबाई है 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर, और चौड़ाई हम कितना मान लें, 2 मीटर। तो अब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना 4, चौड़ाई कितना माने 2, तो 4 दुना कितना होगा, 8, और मीटर में जब पैमाना लिए हैं तो जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल, क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। हमने बताया आयत चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं, चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान नहीं होती है, तथा प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई 4 मान लें, चौड़ाई अगर जो 2 मान लें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 4 दुना 8 मीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा, 8 मीटर स्क्वायर। अगर जो हम आयत का परिमाप की बात करें, आयत का परिमाप, तो इसकी जो चारों, इसके पद आयत के चारों ओर की जो लंबाई होती है, ठीक है, इस आयत के जो चारों ओर की लंबाई होती है वो क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। इस आयत के चारों ओर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अगर जो परिमाप का फार्मूला हम बनाए, क्या कह रहे हैं, परिमाप का हम फार्मूला बनाए, तो जो परिमाप का फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, ठीक, आयत का क्षेत्रफल हमने बता दिया कि लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। अगर जो आयत का हम परिमाप निकालें, ठीक, तो आयत का अगर जो हम परिमाप निकालें, तो परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों ओर की लंबाई, इसके चारों ओर की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो जो आयत का परिमाप होता है, ठीक, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है,
परिमाप को इंडिकेट करते हैं पी से, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 × L + B होता है। क्या होता है? 2 × L + B होता है। अगर जो इस आयत की लंबाई 4 और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई दिया है 2, तो इस जो आयत का परिमाप होगा यानी कि 4 + 2 कितना होगा? 4 + 2 और 2 ये फार्मूले का, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 × 2 = 6 और 6 में 2 से गुणा कर देंगे, 6 में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कितना होगा? 12 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो परिमाप कहते हैं इसके चारों ओर की लंबाई को, क्या कहते हैं? इसके चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B होता है, यानी कि 2 × 4 + 2 यानी कि 6 क्या हो गया? परिमाप हो गया। परिमाप कितना हुआ? 12 मीटर। ठीक, परिमाप का मात्रक मीटर होगा, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होगा, ये भी ध्यान देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? पहले वर्ग को जाने। ठीक, तो वर्ग को जानने के लिए, अच्छा जो वर्ग होता है तो चारों ओर से घिरी हुई, क्या बोलेंगे? वर्ग का डिफिनेशन अगर लिखना है तो लिखेंगे क्या कि चारों ओर से घिरी हुई, ठीक, वर्ग चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लेकिन इसके प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर जो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब कुछ ऐसे समझिए कि ए का मान अगर दिया 2 मीटर है तो इसका भी मान कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। इसका भी मान कितना होना चाहिए? 2 मीटर। इसका भी मान कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। ठीक, यानी कि इससे पता चला कि आयत जो वर्ग होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो क्या बोलेंगे? वर्ग के, ठीक है, चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है? समान होता है। तथा इसके भी प्रत्येक कोण का जो मान होते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण का मान कितना होते हैं? 90 अंश होते हैं। प्रत्येक कोण का मान कितना होते हैं? 90 अंश होते हैं। यानी कि इस कोण का मान 90 और इस कोण का मान 90 और इस कोण का मान भी क्या होता है? 90 अंश होता है। तो क्या बोलेंगे? चारों ओर से घिरी हुई, चारों ओर से घिरी हुई बंद आकृति को हम वर्ग कहते हैं। लेकिन इसके प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 90 अंश होता है। और इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर जो वर्ग का क्षेत्रफल की हम बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग के जो क्षेत्रफल होते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी कि भुजा जो भी होगा उसका क्या करें? हम स्क्वायर कर दें। यानी कि भुजा ए इज इक्वल टू 2 मीटर तो 2 का क्या करें? स्क्वायर कर दें। कितना होगा? 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? भुजा स्क्वायर। अब परिमाप हमने बताया इसके चारों ओर की लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक, तो अगर जो वर्ग का परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। ठीक, अगर वर्ग का परिमाप निकालें, क्या निकालें? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होगा क्या होगा? ए गुणी ए, 2 + 2 + 2 चाहे जोड़ लें, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 तो 2 + 2 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 मीटर होगा। कितना होगा? 8 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। अगर जो ए से गुणा कर दे ए का मान तो भी 8 आ जाएगा, अगर जो नहीं भी गुणा करे जोड़ ले तो भी 8 आ जाएगा। ठीक, तो अभी तक तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल के बारे में पढ़े। अब हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 11.1 है उसके बारे में देखते हैं, उसके से एक आध क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 11.1 का जो प्रश्न है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक, अच्छा एक्सरसाइज 11.1 जो चैप्टर नंबर 1 है, क्या है एक्सरसाइज 11.1 का? हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि
एक आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, एक आयतकार है जिसकी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो दिया है, मान लीजिए ये आयतकार है ठीक, और आयतकार की भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो दिया है 500 ठीक। अच्छा लंबाई जो कह रहा है कि 500 मीटर है, चौड़ाई जो कह रहा है ठीक है, चौड़ाई जो कह रहा है कि 300 मीटर है ठीक, हमने मान लिया कि क्या 300 मीटर है। अच्छा लंबाई क्या है 500 मीटर और चौड़ाई क्या है 300 मीटर, और पूछ रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा है भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तो प्रश्न जो कह रहे हैं पहला कह रहे हैं कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल जो एरिया बिलोंग कर रहा है, जो एरिया आ रहा है कह रहे हैं कि इसका भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर जो भूखंड की क्षेत्रफल की बात करें हम, तो हमने आयत के क्षेत्रफल बताया कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अच्छा लंबाई कितना दिया था 500, चौड़ाई कितना दिया था 300, तो लंबाई है 500 और चौड़ाई कितना है 300, तो 500 में 300 का क्या करें गुणा कर दें, तो अब भूखंड का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 500 में 300 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 5 देखिए 1 2 3 4 4 0, तो 4 5 15 15 लिख के हम लिख देंगे 4 0 ठीक। तो 4 0 जो होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर में एरिया पढ़ेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसको कितना पढ़ेंगे 1.5 लाख मीटर स्क्वायर ठीक। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा 1.5 लाख मीटर स्क्वायर ठीक। अच्छा दूसरा जो प्रश्न कह रहा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम जो होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो मूल्य होगा 10,000 रुपया, यानी कि बताइए प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल होगा कितना 1 मीटर स्क्वायर ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा, 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा उसका दाम जो दिया है कितना दिया है 10,000 रुपया, कितना दिया है 10,000 रुपया, और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है 10,000 ठीक है, और कह रहे हैं कि पूरे जो भूखंड है यानी कि 1.5 लाख मीटर स्क्वायर है उसका दाम कितना होगा। तो हम क्या करें कि 1 मीटर स्क्वायर का दिया है कितना 10,000 और पूछा है कितना 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का, तो हम क्या करें दोनों पक्षों में 1.5 लाख से गुणा कर दें, 1 मीटर 1.5 लाख हो जाएगा, इधर जितना मूल्य होगा वो निकल जाएगा ठीक। हम क्या करें कि दोनों पक्षों में 1.5 लाख से गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा 1 × 1.5 लाख, कितना से गुणा कर दें 1.5 लाख से ठीक है, क्योंकि एरिया कितने का मूल्य पूछा कि 1.5 लाख का कितना मूल्य होगा, तो 1 × हम क्या कर दें 1.5 लाख कर दें, अब 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल जाएगा ठीक। समझ में आया बात, 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, और इधर भी 1.5 लाख से गुणा कर दें, कितना से 1.5 लाख से गुणा कर दें, तो इधर भी जब 1.5 लाख से गुणा करेंगे कितना से गुणा करेंगे 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख से गुणा करेंगे 4 0 रहना चाहिए, तो 1.5 लाख से गुणा करेंगे तो दाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 बढ़ा देंगे, 15 लिख देंगे ठीक, क्या करेंगे 8 0 बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितना हो गया, देखिए 2 2 4 4 3 7 1 8 इतना रुपया हो जाएगा कि भूखंड का जो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा ये आपका इतना रुपया हो जाएगा ठीक। समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है 320 है, कितना है 320। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा कह रहा है कि एक वर्गाकार, मान लीजिए एक वर्गाकार ठीक, तो एक वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप कितना दिया है 320 दिया है,
एक मान लीजिए हमने वर्गाकार परिमाप बना लिया। अच्छा, परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप हमने बताया था कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। कितना होता है, 4a। अच्छा, इसका जो परिमाप दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात कर रहे हैं, इसका जो परिमाप दिया है कितना दे रहा है, कह रहे कि 320 है। कितना है, 30 है, 320 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो वर्ग का परिमाप जो कह रहे हैं कि 320 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और आप जानते हैं कि 4a इक्वल टू कितना दिया है, 320 दिया है, तो a का मान निकाल रहे हैं, तो इंटू में तो कहां जाएगा, अपान में जाएगा, तो 320 बटे 4, 4 बटे 32 कितना हो गया, 80। a इक्वल टू कितना मिला, 80 मिला। और जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अच्छा, जहां ए क्या है, भुजा है, तो 80 का स्क्वायर कर दें, क्या करें, 80 का स्क्वायर कर दें, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए, परिमाप दिया था 320, कितना दिया था, परिमाप जो दिया था 320 मीटर दिया है, कितना दिया, 320 मीटर। ठीक, तो आई जो होगा 80 मीटर भुजा हो गया, अब 80 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8×64 मीटर स्क्वायर क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर तीसरा बात करें तो कह रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। प्रश्न नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो तीसरा कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि एक आयतकार जो आयत है, ठीक है, तो कह रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है कितना, आयत का जो क्षेत्रफल है कितना, 440 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्या है, क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, 440 मीटर स्क्वायर दिया है, और जो इसका लंबाई दिया है, क्या दिया है, कह रहे कि प्रश्न में, और इसकी लंबाई यानी कि L इक्वल टू दे दिया 22 मीटर। कितना दिया, 22 मीटर दिया, और कह रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या आयत का क्षेत्रफल, हमने आयत का क्षेत्रफल क्या बताया था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का क्या करें, आपस में गुणा कर दें, तो क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 440, अच्छा 440 एल इंटू बी, एल का मान कितना दिया था, 22, और बी का मान पता नहीं था, तो हम क्या करते हैं, बी, ठीक है, इनटू में है, तो जानते हैं कि कहां जाएगा, अपान में जाएगा, तो बी इजिकल टू 440 बटे 22, और 22 दुना 44, बी का मान कितना होगा, 20 मीटर होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है, क्या आयत का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अच्छा, यल का मान पता है, यल का मान कितना है, 22, बी का मान कितना है, 20, तो जो आयत का परिमाप होगा, यल का मान कितना, यल का मान हम बता रहे हैं कि यल का मान दिया था 22, तो 22 प्लस 20 को जोड़ दें। अच्छा, 22 प्लस 20 को जोड़ दें, तो 22 20 हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा, 42, और 42 में 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 84 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 84 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आप लोग को कोशिश करते हैं कि जितना भी पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। अगर जो कोई क्वेश्चन में डाउट है, चाहे क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो ठीक है, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आपके जो चैप्टर के और एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उसको आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर करिएगा, ठीक, अगले वीडियो के लिए, ठीक, और थैंक यू, धन्यवाद।